Drupal 9 मॉड्यूल डेवलपमेंट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कस्टम ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं मॉड्यूल डेवलपमेंट में। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले गूगल पे क्या सर्च करेंगे, Drupal मॉड्यूल डेवलपमेंट ब्लॉक लिख देते हैं, तो ये आ गया क्रिएट अ कस्टम ब्लॉक। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स प्लगइन ब्लॉक हेलो ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सब चीज़ बंद कर देते हैं। अब आपका जो सोर्स ये है आपका मॉड्यूल, करेक्ट, यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है SRC में, करेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है, क्या दिया है, कहाँ पे क्रिएट करना है, SRC प्लगइन। सबसे पहले SRC के अंदर आपको प्लगइन क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर प्लगइन्स, जो भी ब्लॉक्स हैं प्लगइन उसको हम प्लगइन्स बोलते हैं Drupal 9 में। अब प्लगइन के अंदर क्या आएगा आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लॉक, करेक्ट, प्लगइन के अंदर ब्लॉक फोल्डर है, न्यू फोल्डर ब्लॉक ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे गए, अब ब्लॉक, अब यहाँ पे ब्लॉक नेम। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको न्यू फाइल vmcoderblock.php। ठीक है, अब यहाँ पे PHP स्टार्ट करना है हमको, PHP एंड नहीं करेंगे तब भी चलेगा, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। कैंसिल, और क्लास नेम देना है, क्लास नेम CLA, क्लास कौन सा, क्लास ब्लॉक vmcoderblock। ठीक है, क्लास नेम और फाइल नेम सेम होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, उनको ये क्लास की नेम स्पेस डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, नेम स्पेस, नेम स्पेस का मतलब क्या होता है आपको PHP में चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या है, Drupal, यहाँ पे मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम क्या है हमारा, मॉड्यूल अंडरस्कोर vmcoder, करेक्ट। और अब ब्लॉक यूज़ करने के लिए इसके अंदर हमको एक मेथड क्रिएट करनी है, कौन सी मेथड, पब्लिक फंक्शन बिल्ड। ठीक है, ये पब्लिक फंक्शन बिल्ड ये क्या करिए, तो बेटर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, क्लास के अंदर देखो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, तो आपको भी समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, नेम स्पेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉलर दिस फंक्शन यूज़ किया ट्रांसलेट का, क्योंकि Drupal में बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, फिर ट्रांसलेट, अब ये इसके पेरेंट क्लास को मिलता है, पेरेंट क्लास कौन सा होता है, डॉलर दिस मतलब करेंट क्लास। ठीक है, पर इधर तो हमने कोई ऐसा टी नाम का फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो कहाँ से लेगा ये, ब्लॉक बेस नाम से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड, हेलो ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक है उसको एक्सटेंड करेंगे ब्लॉक बेस नाम से। ठीक है, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा बेस ब्लॉक। ठीक है, हमने यूज़ कर लिया बेस ब्लॉक, अब हम इसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड्स EXTEND extends ब्लॉक बेस, करेक्ट, ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं इसको डॉग बोलते हैं, PHP डॉकर या डॉकर बोल सकते हो, डॉकर, ये डॉकर क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक बार क्रिएट कर लेते हम लोग, प्रोवाइड्स अ हेलो ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे डिफाइन करना है आईडी, ये ब्लॉक का आईडी क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं vmcoderblock। ठीक है, एडमिन लेबल में क्या दिखना चाहिए, एडमिन लेबल में दिखना चाहिए vmcoderblock। कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी हो गई हमारी vmcoderworld, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये एडमिन साइड दिखेगा, मैं आपको एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर बताता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब इसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन है, कौन सा, ये पब्लिक फंक्शन है बिल्ड, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया, पब्लिक फंक्शन बिल्ड, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट वी से दबाएंगे तो प्रॉपर तरीके से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, ये बिल्ड क्या करेगा, जब भी ये ब्लॉक बेस कॉल होगी फाइल, तो बिल्ड मतलब जब भी ये मॉड्यूल कॉल होता है उस टाइम ये ब्लॉक बेस से फर्स्ट जो बिल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड रन करता है, करेक्ट। अब रन करेगा तो
उस टाइम हमको इनहेरिट डॉक ये भी लिखना डॉक ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे गए और फर्स्ट लेवल पे कंट्रोल से भी इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ये यहाँ पे एंड होता है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये स्पेस नहीं रखते, ठीक है, प्रॉपर हो गया सिंपल। तो हमने क्या किया, एक फाइल बनाई, फोल्डर बनाया, सोर्स के अंदर प्लगइन, प्लगइन में ब्लॉक, ब्लॉक टाइप क्या है प्लगइन, यहाँ पे एक फाइल बनाई वीएम कोडर ब्लॉक, और अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गए, कैश क्लियर किया, कैश क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग गए स्ट्रक्चर में, गए स्ट्रक्चर में ब्लॉक लेआउट। अब जो हमने ब्लॉक बनाया है वो हम क्या करेंगे, दिखेगा कैसे हमको, तब यहाँ पे हम प्लेस ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे सर्च मारना है बी एम कोडर बी एम, देखो आ गया बी एम कोडर ब्लॉक, कैटेगरी बी एम कोडर वर्ड, याद है हमने दिया था डॉकर में मतलब कमेंट्स के अंदर, तो ये वहाँ से ले रहा है, ठीक है, और प्लेस ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया हमने, और यहाँ पे देखोगे आप तो ये कंटेंट के मेन कंटेंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, और हम अब होम पेज पे जाएंगे, बैक टू साइट, देखो बी एम कोडर ब्लॉक करेक्ट, ये क्या है यहाँ पे दिया है हेलो वर्ल्ड, बी एम कोडर ब्लॉक टाइटल है, और यहाँ पे क्या है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि हमने लेबल भी दिया ना, याद है ये लेबल दिया ट्रांसलेट है ना, अगर हम लेबल बंद कर देंगे तो लेबल नहीं दिखेगा, तो ये लेबल है आपका और ये है जो भी कंटेंट हमने ब्लॉक के अंदर दिया है वो। तो फ्रेंड्स हमने आज देखा कि ब्लॉक कस्टम ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।